ताजा करिए और पुरानी बॉलीवुड यादें, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे रेट्रो। 80 के दशक में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, राज बब्बर और स्मिता पाटिल की शादियों ने हिंदी सिनेमा में दूसरी शादी की एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी थी। और इसी कड़ी में जो तीसरी शादी की खबर ने हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, वो थी मिथुन और श्रीदेवी की गुप्त शादी। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर दोनों कलाकारों के विकिपीडिया पर भी इस बात का जिक्र है कि दोनों शादी कर 3 सालों तक एक साथ रहे थे। आइए जानते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ था। फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर मिथुन और श्रीदेवी की मुलाकात हुई थी और फिर ये मुलाकात धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में बदल गई। हालांकि मिथुन उस वक्त शादीशुदा थे, पर इन दोनों ने इसकी परवाह नहीं की। मिथुन के अलावा बोनी कपूर के करीब जब श्रीदेवी आने लगी तो कहते हैं कि मिथुन ने श्रीदेवी पर अपना हक जताते हुए बोनी कपूर को राखी बांधने पर भी मजबूर कर दिया था ताकि मिथुन का रास्ता क्लियर रहे। मिथुन की वाइफ योगिता बाली को जब इन दोनों की शादी की बात पता चली तो कहते हैं उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी की। इससे मिथुन घबरा गए। उधर श्रीदेवी भी ये नहीं चाहती थी कि वो किसी शादीशुदा मर्द की दूसरी पत्नी कहलाएं। हालांकि मिथुन ने श्रीदेवी से ये वादा किया था कि वो योगिता को तलाक दे देंगे, लेकिन बाद में मिथुन ऐसा नहीं कर पाए और इस तरह श्रीदेवी से उनका ब्रेकअप हो गया। श्रीदेवी से ब्रेकअप के बाद मिथुन वापस योगिता बाली के पास आ गए। मिथुन से ब्रेकअप के बाद श्रीदेवी फिल्मों में बिजी हो गई। बाद में श्रीदेवी ने बोनी कपूर से 1996 में शादी कर ली। बोनी ने श्रीदेवी के लिए अपनी पहली वाइफ को छोड़ दिया था। आज बोनी कपूर और श्रीदेवी की 2 खूबसूरत बेटियां हैं तो मिथुन और योगिता के 4 बच्चे हैं।